व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप सब सेफ होंगे, अपने घर पे होंगे, क्योंकि अभी का जो सिचुएशन है कुछ बोल नहीं सकते। कोरोना खत्म ही नहीं हो रहा है, एक साल से ज्यादा हो गया है, ये पता नहीं कब खत्म होगा एंड कब हम सबकी लाइफ नॉर्मल होगी। अब तो क्या मतलब सब बोल रहे हैं कि ये न्यू नॉर्मल है, इसी में एडजस्ट करो, पर रियलिटी तो कुछ और है, क्योंकि ये मास्क पहन के बाहर जाना, डर डर के बाहर जाना, वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए, ये कोरोना खत्म हो जाए तो ही सही होगा। एंड हम सब चाहते हैं कि ये इंडिया से नहीं, पूरी वर्ल्ड से ही पूरा खत्म हो जाए जल्द से जल्द। तो हाँ, तो आज मैं शूट करने वाली हूँ एक व्लॉग एंड जो कि बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं गाड़ी देखने। एक्चुअली फोर व्हीलर लेने का प्लान हम लोग का कब से था, दो साल से है। एंड कुछ चीज़ें ऐसे हुई जो जिसके वजह से ये प्लान जो है पोस्टपोन होते गया एंड हम लोग अभी तक नहीं ले पाए गाड़ी। तो पर उसके लिए क्या है ना, गाड़ी तो देखना पड़ेगा, दो चार गाड़ी सिलेक्ट करके उसमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं। एक्चुअली हम लोग दो गाड़ी में टोटली कन्फ्यूज्ड हैं एंड दोनों ही गाड़ी SUVs हैं एंड अभी का जो मार्केट है ये दोनों पूरा डोमिनेट करके रखे हैं। एक है किया का सेल्टॉस एंड दूसरा है ह्यूंडई का क्रेटा, जो कि 2020 का है, 2020 में लॉन्च हुआ था वो वाला। तो अभी एक्चुअली आज हम लोग जा रहे हैं, दोनों ही गाड़ी देखेंगे शोरूम में जाके एंड फिर डिसाइड करेंगे कि कौन सा लेना है। तो एक ही दिन में दोनों गाड़ी देखेंगे तो थोड़ा बहुत क्या है ना, ओवरव्यू मिल जाएगा एंड फीचर्स के बारे में पता करेंगे एंड कौन सा अच्छा लगता है वहाँ, सामने से देखने से ना ज़्यादा आइडिया मिल जाता है। एंड मुझे तो उतना कुछ आइडिया है नहीं कार के बारे में, जो ये सब गाड़ी लेने से पहले ना यूट्यूब पे बार बार सर्च कर करके बहुत सारा व्लॉग देखी, बहुत सारा वीडियोस जो कि रिव्यू के बारे में है, वो सब देखने के बाद अभी थोड़ा बहुत नॉलेज है मेरे को। तो आज हम लोग अभी तो पहले हम लोग जाएंगे किया का शोरूम एंड वहाँ किया का जो सेल्टॉस है वो देखने के बाद फिर हम जाएंगे पास में ही है ह्यूंडई का शोरूम, क्रेटा देखने के लिए। तो अभी तो मैं तो रेडी हो गई हूँ, क्या आपका वेट कर रहे हैं, क्या आएगा तो फिर जाएंगे। एक्चुअली कार तो लेने वाले थे ही, पर अभी जो जल्दबाजी में थोड़ा ले रहे हैं, क्योंकि ये हो गया है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना भी सेफ नहीं लगता बिल्कुल भी, और कैब वगैरह भी ना, क्या पता नहीं कौन कौन यूज़ करें, वो आप समझ रहे हो ना, वो उसमें जाना थोड़ा रिस्की लगता है, वो चीज़ है। तो खुद का गाड़ी रहेगा तो वो चीज़ का टेंशन नहीं रहेगा एंड अभी के सिचुएशन के लिए तो वो एक्चुअली ज़रूरी है। आप अगर कहीं ट्रैवल करते हो वो चीज़ आगे जाके आपको बहुत हेल्प करने वाली है, अगर आपके पास खुद का गाड़ी रहेगा तो। तो ठीक है, फिर चलते हैं और देखते हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा दिखता है एंड आई एम श्योर कि जो लोग भी देख रहे हो उनको मेरे से ज़्यादा नॉलेज होगा गाड़ी के बारे में, तो मैं एक्चुअली उतना नहीं जानती, पर वहाँ जाके उनसे बात करेंगे तो वो लोग बता देंगे कि क्या क्या फीचर्स है एंड किस लिए ये दोनों जो गाड़ी है इतना क्रेज़ बना हुआ है ना एक, तो किस लिए है, तो वो बात करेंगे एंड आज ही डिसाइड करेंगे कि कौन सा लेना है। उसके हिसाब से हो सके तो आज बुकिंग भी कर लेंगे, क्योंकि अभी उसका ना वेटिंग टाइम थोड़ा चल रहा है तो अभी से बुक करना पड़ेगा, तो हो सके तो आज हम बुक भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर निकलते हैं एंड मैं आप लोगों को दिखाती हूँ गाड़ी वाड़ी थोड़ा। हम लोग अभी आके पहुंच गए हैं शोरूम में एंड यहाँ पे ढेर सारा कार्स है, मैं तो कंफ्यूज हो जा रही हूँ देख के। पर अभी जो हम लोग का प्लान है
एचटी के प्लस लेने का। अभी वो गाड़ी तो सामने ही है, अभी देखते हैं। गाड़ी बाहर से काफ़ी सुंदर लगती है मेरे को, लाइक अट्रैक्टिव है। तो गाड़ी का लुक ही ऐसा बनाया गया है एंड काफ़ी लाइक जो भी सारे एलिमेंट्स डाले हैं गाड़ी में काफ़ी लाइक वेल प्लेस्ड है, अपीलिंग लगती है लुक। एंड जितना वीडियो मैंने देखा है काफ़ी पसंद है। एंड यू आई विल फ्लिप द कैमरा एंड शो यू। तो यहाँ पे है उनके एम्प्लॉय, मतलब किया का ही एम्पी है यहाँ का, अर्चिमन जी, उनसे बात करेंगे और जानेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरे को तो फ्रैंकली उतना पता नहीं गाड़ी के बारे में। अभी उनसे पता करते हैं क्यों इतना ये गाड़ी डिमांड में है, पूरा मार्केट डोमिनेट करके रखा है एंड लाइक क्रेज एक बना हुआ है कि किया का सेल्टॉस, तो क्यों है उनसे जान लेते हैं। हाय अर्चिमन जी, एंड ये गाड़ी का इतना जो क्रेज बना हुआ है क्या है, फीचर क्या है? लाइक इफ यू गो फॉर दिस सेल्टॉस, इट इज एक्चुअली गोइंग फॉर द लुक्स एंड इट्स पर्पसेस फॉर इज द फीलिंग फॉर द कस्टमर्स। Actually, if you go, this is the STK Plus variant. You will be getting all the necessary जो features है एक आदमी को जो चाहिए daily purpose के लिए, वो सब features इस गाड़ी में आपको मिल जाएगा। And if you go for the STK Plus variant, you will be getting dual airbag, ABS with EBD, rear parking sensors with a touchscreen music system with adaptive guidelines. You will be also getting. If you go for the steering, you will be getting a tilt steering function with steering mounted controls and cruise control function for the highway convenience. Okay. And you will be getting a manual AC in this model. Okay. If you come to the front section of the car, you will be getting a halogen projector headlamps with a LED DRL running lamp. Okay. And with a projector fog lamps also. Okay. And the tiger nose grill comes with a matte finish with a gloss. ये चीज का बहुत ज्यादा हाइप बना हुआ है टाइगर नोज। Actually if you go for the foreign models and in the Indian models, this tiger nose grill is same for every cars. Okay, ये same ही है। Same international models जो भी है सब same है इसमें। ठीक है, ये जो नीचे आपको स्कीट पेट मिल जाएगा, जो भी आपका बम्पर प्रोटेक्टर आपको बोल सकते हैं, इसमें आपको प्रोटेक्शन बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, इसका जो लुक्स है बोल्ड जो लुक्स है वो आपको बहुत एक्स्ट्रा वेरियंट जो है ऑटो लुक्स अपील करते हैं। यू विल बी गेटिंग अ ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल। ठीक है, स्टीयरिंग में आपको टिल स्टीयरिंग फंक्शन मिल जाएगा विद अ कीलेस एंट्री। ठीक है, यू कैन ऑल्सो डिक्रीज एंड इंक्रीज द इल्यूमिनेशन कंट्रोल ऑफ द डैशबोर्ड विद अ हेडलाइट लेवल एडजस्टर। ठीक है, एंड STK प्लस वेरियंट ऑल्सो ऑफर्स योर ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स with a sound mode, ambient lighting also. Okay, मतलब वो like night, night में जो आप music चलाएंगे तो उस हिसाब से उसका कलर भी चेंज होगा चारों डोर में। ठीक है, इसमें सर मैम आपको अर्कामीज का म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा विथ फोर स्पीकर एंड टू ट्विटर्स इन द फ्रंट डोर। ओके, एंड इफ यू कम टूवर्ड्स द बैक सेक्शन ऑफ द कार, आपको इस प्राइस में एक मिक्स है, जैसे भी जो इतना स्पेस आपको दे रहा है, जितना कम्फर्ट आपको दे रहा है, बहुत अच्छा दे रहा है। इसलिए कस्टमर जो है ना एक बार जब टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं तो ऑन स्पॉट बुकिंग करके जाता है। तो इसमें क्या होता है सर मैम, इसका जो सीट है फैब्रिक सीट है। ठीक है, ये आपका पूरा बेंच फोल्ड हो जाएगा विद इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे तो STK प्लस में अगर सेल्टोस भी देखेंगे तो इसका जो एरियल व्यू है, मतलब इसका एनवायरमेंट बहुत ओपन एरिया है, तो आपको बैठने में जो हाईवे जो डिजीनेस आता है ये सब कुछ नहीं आएगा गाड़ी में। और दूसरा जो बात है, पीछे के सेल्टोस के प्लस आपको मिल जाता है जो सन ब्लाइंड है ना, ये सन ब्लाइंड भी आपको मिल जाएगा फॉर योर प्राइवेसी। ठीक है, तो एक के प्लस से आपका शुरू हो जाता है। ठीक है, दिस इज बूट स्पेस जो उसमें बहुत खासियत है, इसका 433 लीटर बूट स्पेस। 433 लीटर। ठीक है, इसका जो दैट इज ह्यूज एक्चुअली, इज ह्यूज। दिस आज का जो टनल लो हेडिंग टनल है, इसका जो हाइट है बहुत लो है एसयूवी के, अगर इफ यू कंपेयर टू द एसयूवीज, तो इसका अगर बड़ा लगेज होता हैवी लगेज तो आपको ईज एंड ग्रेस करने का बहुत ईजी होता है। इसका जो स्टेपनी है इधर माउंटेड किया हुआ है। ठीक है, काफी स्पेस भी है साइड में, आप लाइक टूल्स भी रख सकते हैं। हाँ, जरूर। तो आपका जो इन एंड आउट है आपका स्पेसियस के लिए, तो आप इजीली इसको इन एंड आउट कर सकते हैं। तो जो स्टेपनी है आपका पीछे में अगर
अगर देखेंगे तो इसका क्रोम फिनिश आता है, इसमें क्रोम नहीं है, ये एक्चुअली प्लास्टिक ग्लॉसी फिनिश आता है, इसका टॉप एंड वेरी में क्रोम आ जाता है इसमें। अच्छा, ये प्लास्टिक ग्लॉसी ग्लॉसी फिनिश है, इसमें क्रोम आ जाता है टॉप एंड वेरियंट में। टॉप एंड वेरियंट नेक्स्ट वेरियंट है एसटी एक्स, उसमें आ जाता है ये जो बैकलाइट है, ये हार्ड बीट शेप बैकलाइट है, ठीक है। ये हैलोजन है, दूसरा मॉडल आपको एलईडी मिल जाएगा, ठीक है। रियर वाइपर वॉशर डिफोगर, ठीक है, ये सब स्टिक के प्लस से आप अवेल कर सकते हैं। इसमें एक्चुअली मैम तो इफ यू गो फॉर द बजट लाइन इट विल बी कॉस्टिंग अराउंड 12,93,000 ऑन रोड इन कोलकाता। सो अकॉर्डिंग टू द प्राइस रेंज एंड द साइज एंड कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस, इट्स अ वेरी यूजफुल बजटफुल वेरियंट फॉर डेली पर्पस। And this will be the value for money variant. Value for money. And if for any customers want the higher variant sunroof, जो भी उनको demand है, तो उसमें बहुत सारा variant है. Actually, you have a 24 variants in Seltos. Okay, only 24 variants. Seltos में 24 variant है. So यहाँ से मैं driver seat से आपको दिखा रही हूँ. अभी मैं बैठ गई हूँ driver seat पे and ये वाला जो पार्ट है ना, ये ऐसे डैशबोर्ड को क्या क्या है ना, पूरा ऐसे मिला दिया है स्टेयरिंग के साथ, तो वो बहुत अपीलिंग लगता है मुझे। एंड यहाँ पे दिया हुआ है डायल्स वगैरह एंड जो कि है आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लुक देता है एंड काफ़ी यूनिक लुक देता है। मुझे काफ़ी ये वाला पार्ट मुझे बहुत पसंद आया। ये पूरा टच स्क्रीन है, ये शायद 8 इंच का आएगा एंड हायर मॉडल में आपको 10 इंच का ये मिल जाएगा। यहाँ पे शायद या सनग्लास होल्डर यहाँ पे एंड दैट्स मी। बैक सीट पे एक्चुअली काफ़ी स्पेसियस है, जैसे कि मैं यहाँ बैठने के बाद भी पूरा इतना स्पेस बच रहा है। सामने का सीट एडजस्ट नहीं किया गया है जैसे रहता है नॉर्मली, वैसा ही है, पर भी इतना लाइक स्पेस है यहाँ पे भी, तो काफ़ी कंफर्टेबल है एंड सीट्स वगैरह भी काफ़ी कंफर्टेबल है। कोई ऐसे आपको नहीं लगेगा कि लाइक बहुत स्टिफ नहीं लगेगा, लॉन्ग जर्नी के लिए भी काफ़ी अच्छा है। हम लोग वॉक कर करके आए एंड अभी पहुंच गए हैं ह्युंडई का शोरूम के पास। एक्चुअली हम लोग आ जाए हैं सॉल्ट लेक, किया का भी शोरूम पास में है एंड यहाँ पे ह्युंडई का शोरूम भी है, तो हमने सोचा कि एक ही दिन में दोनों कवर कर लेंगे। अभी तो किया का देख के आ गए हैं, अच्छा लगा एंड अभी जा रहे हैं क्रेटा देखने। एक्चुअली एक बात बोलूँ, मतलब ये मुझे क्या लग रहा था कि ऐसे शोरूम आके देखने से ना थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा एंड हमारा जो कंफ्यूजन है वो नहीं रहेगा, पर लाइक टू बी ऑनेस्ट अभी मैं ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ, क्योंकि लाइक सब बोल रहे हैं कि हमारा बेस्ट है, तो अभी फीचर्स का तो पता चल गया, हाँ इसमें ये चीज़ है उसमें नहीं है, या फिर ये प्राइस रेंज में हम लोगों को ये एडिशनल मिलेगा, पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं सेल्टोस और क्रेटा में। अब जाके देखते हैं क्रेटा का मतलब क्या कैसा है। मुझे नहीं लगता आज ये कंफ्यूजन में लाइक मैं सेटल कर पाऊँगी अपने माइंड में कि कौन सा लेना है एंड देखते हैं गाड़ी, थोड़ा देखते हैं। एंड वेरिएंट्स में भी क्या है ना, लाइक आपको वो लोग ना मना लेते हैं, लाइक ऐसा बोलेंगे सर 2 ही लाख रुपए तो ज़्यादा है, इसमें ये आएगा एडिशनल वो आएगा, ये टोटल वैल्यू फॉर मनी है एंड आप लाइक 2 लाख रुपए स्पेंड कर रहे हो, टोटल वर्थ है, ऐसे बोलते हैं ना आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। लाइक आपका अगर 13 लाख बजट है, आप बोलोगे हाँ ठीक है 15 भी मेरे लिए वर्थ है करके, तो वो चीज़ हमारे साथ अभी हो रहा है। अभी जाके देखते हैं।